हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं मुलताई तहसील के लोक सेवा केंद्र से। मैं आज यहां आया था अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, तो आपको यहां का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूं। सामने जो आपको लिस्ट दिख रही है, यहाँ पर यहाँ की डिफरेंट सर्विसेज की रेट एवं कम्प्लीशन टाइम लिस्ट है। आप पॉज करके ये देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आपको कुछ भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो आपको लोक सेवा केंद्र आना ही पड़ेगा। मुलताई का लोक सेवा केंद्र मुलताई के तहसील ऑफिस में लोकेटेड है, और अगर आपको तहसील ऑफिस नहीं पता तो ये मुलताई के बस स्टैंड से बहुत ही पास में है, आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं बैतूल के लिए। यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो यहाँ पे हो गया है, तो चलते चलते पहले गाड़ी को धुलवा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। और इसे मुझे अंदर से भी क्लीन करवाना है। मुझे इसमें कुछ एक्सेसरीज लगवानी है, जैसे फ्लोर मैट वगैरह और वेदर शील्ड होती है वो लगवानी है, तो उसके लिए गाड़ी का साफ होना बहुत जरूरी है। वो लगवाने से पहले एक बार इसकी वॉशिंग जरूर करवा लेते हैं। ये वॉशिंग सेंटर हाईवे पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, तो मैं हमेशा ज़्यादातर यहीं करवाता हूँ। फाइनली अब सब काम होने के बाद चलिए चलते हैं, मैं आप सभी को दर्शन करवाता हूँ माँ चंडी दरबार के। चलते चलते मैं आज आपको माँ चंडी दरबार के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। आप सभी इस व्लॉग पे बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये जानकारी सुनते सुनते माता जी के दरबार हम पहुँच जाएंगे, तो मैं बताता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। शुभ निशुम दानवों का वध करने वाली माँ पार्वती का चंडी स्वरूप दया और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक माँ चंडिका के कई मंदिर प्रसिद्ध है। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित चंडी दरबार। इसके बारे में बताया जाता है कि 1400 साल पहले यहाँ माँ चंडी की 3 प्रतिमाएं पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी। माँ चंडी गोंडवाना वंश के अंतिम राजा इल की कुलदेवी थी, जो एक सुरंग के रास्ते माँ चंडी के दर्शन करने जाते थे। स्थानीय आदिवासियों के लिए चंडी दरबार एक तीर्थ जैसा है। मंदिर के पीछे गोदना डैम है। ऐसी मान्यता है कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन माँ चंडी के प्रभाव से डैम का पानी कभी मंदिर तक नहीं पहुँचा। चिचोली तहसील से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गोदना में स्थित है शक्ति स्वरूप माँ चंडी का प्रसिद्ध मंदिर, जो आदिवासियों के लिए भी एक तीर्थ स्थान है। देश भर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। हमें भी बहुत दिनों के बाद यहाँ वापस आने का मौका मिला है। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से बाई और रोड पे ही हमें जाना है। स्थानीय ग्रामीण यहाँ एक चमत्कारिक घटना होने की जानकारी देते हैं। साल 2007 में गोदना डैम का निर्माण हुआ, जिसमें जल भराव के कारण पानी चंडी माता मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर गया। ग्रामीणों को लगा कि मंदिर जलमग्न हो जाएगा, लेकिन तभी डैम की एक दीवार में दरार की खबर से दहशत फैल गई। सिंचाई विभाग के अफसरों ने माँ चंडिका के आगे माथा टेका। इसके बाद डैम का जल स्तर सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना के बाद से आज तक दोबारा कभी डैम का पानी मंदिर के आसपास भी नहीं पहुंचा। ग्रामीण इसे माँ चंडिका का ही चमत्कार मानते हैं। अब हम यहाँ ग्राम गोदना पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें बाई और रोड पे ही जाना है। हमें भी बहुत दिनों बाद यहाँ वापस आने का मौका मिला है। यह प्रकृति की गोद में बसा अत्यंत ही मनोरम स्थान है। अब तो यहाँ बहुत सी दुकानें लग गई है, विशेषकर श्रद्धालुगण यहाँ रविवार और बुधवार को आते हैं। इस दिन यहाँ बस से भी आप आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए बस आपको चिचोली बस स्टॉप से मिलेगी। चलिए, सामने यहाँ खाली जगह दिख रही है तो वहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। पहले हम पूजा की थाली ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ आपको नाश्ते की एवं पूजन सामग्री की दुकानें देखने के लिए मिलेगी, मगर रविवार और बुधवार को यहाँ बाजार लगता है, जिसमें सब्जियां भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। आज रविवार की वजह से यहाँ बहुत भीड़ है, चलिए अंदर चलते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान यहाँ बैतूल के पड़ोसी जिलों
हरदा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम सहित प्रदेश और देश के अन्य इलाकों से भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। बैतूल जिले में तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग माँ चंडी दरबार में माथा टेकने को अनिवार्य मानते हैं। माँ चंडी का दरबार बैतूल जिले में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लोगों का कहना है कि जब तक माँ चंडी का हाथ उनके सिर पर है, तब तक इस इलाके में कोई विपदा नहीं आ सकती। माता जी के दर्शन के बाद अब हम बाहर आपको दर्शन करवाते यहाँ के प्रसिद्ध धुनी के। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार मन्नत मांगकर हवन कर सकते हैं। यहाँ पास में ही एक राजा रानी का महल भी है, आप वो भी देख सकते हैं। अब काफी समय हो गया है यहाँ पे, चलिए अब वापस चलते हैं क्योंकि भीड़ भी अब बढ़ रही है। आपको यहाँ पे नाश्ते की दुकानें भी मिल जाएगी। यहाँ का मूंग वड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जरूर टेस्ट करें। अब मैं आपको आगे गोधना डैम दिखाता हूँ। शाम के समय यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम होता है। खैर, अभी हमें एक और मंदिर जाना है, वो है बाबा भैरवनाथ जी का। बैतूल से चिचोली आते समय यह मंदिर आपको बीच में देवगांव में पड़ेगा। माता जी के दर्शन किए और बाबा भैरव के दर्शन न किए तो कैसे चलेगा, तो चलिए चलते हैं। चलते चलते हम वापस से फोर लेन पे आ गए हैं। यहाँ से बस हमें सीधा देवगांव तक चलना है। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पर सभी भक्तजनों के पैर धोने के लिए पानी भरा हुआ है और जो आज बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो ये रहे हमारे सामने बाबा भैरव। यहां पर माता जी का भी एक मंदिर बना हुआ है। अब दर्शन के बाद हमें वापस जाना होगा बैतूल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाइए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।